वेलकम बहनों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है वॉइस ऑफ जैसलमेर अन्नपूर्णा पाकशाला में। पहले हमने बनाई थी हल्दी की सब्जी, जो सर्दी में बहुत फायदेमंद होती है। आज हम फिर ला रहे हैं एक सर्दी की नई रेसिपी, जो है गुड़ के पराठे। जिसके लिए चाहिए हमें 4 से 5 पराठा बनाने के लिए 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 गिलास दूध, 1 गुड़ की डली, 5 से 7 बादाम, ऐसे घी। तो आइए हम सबसे पहले आटा गूंथ लेते हैं। हम एक बड़ा बर्तन, इसमें आटा डालेंगे और इसको दूध के साथ गूंथ लेंगे ऐसे। आटा न ज़्यादा टाइट हो न ज़्यादा लूज। अब हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। देखिए, ये न ज़्यादा टाइट है न लूज है, देखिए ऐसा। इसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया। तवा गरम हो रहा है, तब तक हम गुड़ लेंगे और उसको कूट लेंगे ऐसे। ये देखिए, ये हमने गुड़ को कूट लिया। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये हमने इसको ऐसे कूट लिया। ये हमारा अब हमारा गुड़ हमने कूट लिया है 4 से 5 पराठे बनाने के लिए। ये हमारा गुड़ तैयार हो गया है। अब हम आटा लेंगे, इसके हम पेड़े बना लेंगे ऐसे। पेड़े न ज्यादा बड़े हो न ज्यादा छोटे। ऐसे। अब हम थोड़ा आटा लेंगे, इसको थोड़ा सा बेल लेंगे ऐसे। उसके बाद ऐसे थोड़ा घी लगाएंगे, ये इलायची पाउडर थोड़ा सा हम इस पे डाल देंगे ऐसे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़े से बादाम। अब हम गुड़ लेंगे इसको, गुड़ की फिलिंग भर देंगे और ऐसे इसको बंद कर देंगे पूरा। ये देखिए, ये पूरा बंद हो गया। अब हम इसको बेल लेंगे, थोड़ा धीरे धीरे बेलें। हमें जब कभी मीठा खाने का मन करे तो घर में ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है और कभी भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए देखिए, आंच को हम थोड़ा धीरे कर देंगे और इसी तरह हम दूसरा पराठा ऐसे बना लेंगे। देखिए ऐसे, इससे थोड़ा इलायची पाउडर, थोड़े से बादाम,
अब इसको हम पलट देंगे। तब तक हम दूसरी फिलिंग भर लेते हैं ऐसे। ये देखिए, अब हम इसको देखेंगे ये सिक गया दूसरी तरफ। सिकने के बाद हम इसको ऐसे तल लेंगे। क्या खुशबू आ रही है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और ये नुकसान भी नहीं करते। आजकल बाजार की मिठाई हमें पसंद नहीं आती तो ये हम बना सकते हैं कभी भी, और इसके सारी सामग्री हमें आसानी से अपने घर में मिल जाती है। तो ये देखिए हमारा गुड़ का पराठा तैयार हो गया है, ये देखिए, वाओ। ये देखिए हमारे गुड़ के पराठे तैयार हो गए। इसको हम मंदी आंच पे सेकेंगे, नहीं तो हमारा गुड़ जल जाएगा। देखिए ये हमारे गुड़ के पराठे तैयार हो गए बनके। हमें जब भी मीठा खाने का मन करे और हमारे घर मीठा ही ना हो तो हम इसको बना सकते हैं, और ये नुकसान भी नहीं करता। खासकर सर्दियों में हमें मीठा खाने का मन करता है। देखिए ये हमारे पराठे तैयार हो गए। तो बहनों हमारे गुड़ के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। देखिए इनकी रंगत, ये जब कभी हमारे घर मेहमान आ जाए और हम बाजार जाने के लिए हमारे पास टाइम ना हो तो हम आसानी से इसे मिठाई के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और गुड़ की तासीर गर्म होती है तो इसे नॉर्मली हम सर्दियों में बना सकते हैं। इस तरह और भी न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वॉइस ऑफ जैसलमेर। धन्यवाद।